नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यार स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, आज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज हम आपके जो बीएससी थर्ड ईयर है यानी बीएससी फाइनल ईयर है उसमें आपके फिजिक्स सब्जेक्ट में जो पेपर होता है कौन सा एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आज इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले। इससे पहले हमने आपके जो फिजिक्स के अंदर ही आपका एक पेपर होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स यानी ठोस अवस्था भौतिकी, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके बताए थे। साथ में हमने केमिस्ट्री के भी यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। जिन भी ने वो वीडियो नहीं दे रखे तो हमने इसके एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप इन वीडियो को देख सकते हैं। साथ में स्टूडेंट जो भी इस चैनल पे नए सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम स्टडी मटेरियल आपके लिए लाते हैं तो वो आपको सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो पाए। साथ में जो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय एआर स्टडी ज्ञान के नाम से, उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी हम आपको काफी बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स यहां पर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि क्या है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत यानी प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसे आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ये लगभग हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर देखें यानी पीवाईक्यू देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको काफी बार देखने को मिलेगा, और इसके अंदर भी काफी सारे आपके भाग होते हैं जो कि सेपरेट भी आपके पूछ लिए जाते हैं, जिससे कि काफी बार पूछा जाता है दोलितों की माध्य ऊर्जा। क्या पूछा जाता है स्टूडेंट? दोलित्रों की माध्य ऊर्जा। ये टॉपिक भी आपके काफी बार पूछा जाता है कि एवरेज एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर, ये भी एक सेपरेट डेरिवेशन आपके काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलता है। और इसके अंदर एक जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है जो कि लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है वो होता है, यहां पर इसे लिख लीजिएगा आप, प्लैंक का विकिरण सूत्र। क्या? प्लैंक का विकिरण सूत्र, जो कि यहाँ पर आपको प्रूफ करना होता है, निकाल के आपको बताना होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्लैंक का विकिरण सूत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लैंक रेडिएशन लो। क्या? प्लैंक रेडिएशन लो या प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला, जो कि इसको प्रूफ करना होता है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो इसको तो आपको डेरिवेशन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस आपके बने रहते हैं। साथ में इसमें कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि प्लैंक के विकिरण सूत्र के आधार पर कृष्णिका के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या, ये भी काफ़ी बार आपके पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड टॉपिक आता है आपके जो कि लगभग हर यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कॉम्पटन प्रभाव। कौन सा होता है? कॉम्पटन प्रभाव। इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। काफी बड़ा डेरिवेशन होता है लेकिन इसके आने के काफी ज्यादा चांस आपके बने रहते हैं, और ये जो बड़े मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इसके आने के फुल चांस रहता है। अगर आप भी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको काफी बार देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर थर्ड आता है आपके जो कि है डेविसन जर्मर का प्रयोग। ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है, इसके भी यहाँ पर आपके आने के चांस बने रहते हैं, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आप फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्या है, हाइजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यानी हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इस एप्लीकेशन, यानी इसके अनुप्रयोग भी बताना है। इसके जो अनुप्रयोग रहते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, इसके जो अनुप्रयोग है वो काफी पूछे जाते हैं, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं आपके। इसके अंदर भी तीन चार भाग होते हैं आपके इसके अनुप्रयोग यानी इसके एप्लीकेशन कौन कौन सी। एक तो होती है आपकी कि जो इलेक्ट्रॉन है कि नाभिक में नहीं रह सकता है, इसको यहां पर आपको बताना है अच्छी तरह से, इसका डेरिवेशन के जरिए आपको बताना है। साथ में इसमें पूछा जाता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु रहता है यानी एच परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा आपको बतानी होती है या इसका ऊर्जा स्तर आपको बताना होता है। एक इसमें पूछा जाता है कि जो सरल आवृत्ति दोलक की मूल अवस्था में ऊर्जा आपको बतानी होती है। तो ये लगभग तीन चार डेरिवेशन है जो कि इसके अंदर आपके जो हाइजनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है इसके एप्लीकेशन में आपके पूछे सेपरेट भी जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहां पर आप फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि क्या है, एरेन फेस्ट प्रमेय, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपके डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है समूह वेग या कला वेग, समूह वेग व कला वेग यानी ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी काफी बार आपके पूछा जाता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस पेपर में आपके थ्योरी के साथ यहाँ पर आपकी जो न्यूमेरिकल भी है वो काफी पूछे जाते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर भी अच्छी तरह से ध्यान देना है। उसमें यहाँ पर हमने एक दो न्यूमेरिकल आपके लिए दिए भी है, जैसे कि यहाँ पर आप सेवंथ क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि क्या, तरंग फलन यानी वेव फंक्शन, जो कि क्या एक तरह से न्यूमेरिकली आपके, जो कि क्या है, फाई एक्स इक्वल टू क्या होता है, रूट टू अपॉन ए साइन पाई ए एक्स यहाँ पर, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या बतानी है, एक तो स्थिति बतानी है और एक इसका संवेग का यहाँ पर आपको प्रत्याशा मान आपको ज्ञात करना है। काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, काफी यूनिवर्सिटियों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा, सिद्ध करो कि जो हर्मिटियन संकारक के आइगन मान वह वास्तविक हो क्या होते हैं, लंबिक होते हैं। इसको यहाँ पर आपको काफी बार ये डेरिवेशन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनको यहाँ पर सेपरेट भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी वास्तविक के लिए पूछ लिया जाता है और कभी कभी लंबिक के लिए यहाँ पर आपके पूछ लिया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर 9th
वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, एक विमीय तरंग पैकेट की रचना, या जिसे तरंग संघ के नाम से भी पूछा जाता है, यह भी काफी बार आपके डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स आप टेंथ वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि एक विमीय बॉक्स में कण। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, यह हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पार्टिकल्स इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, इसका पूरा डेरिवेशन है। साथ में एक विमीय बॉक्स के बारे में पूछ लिया जाता है और कभी कभी यहाँ पर आपके त्रिविमीय बॉक्स में भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो दोनों ही क्वेश्चन अल्टरनेट आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में चलते रहते हैं, तो इनको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसा कि स्टूडेंट देखिएगा, एक विमीय विभव सीढ़ी, जिसे एक विमीय विभव दीवार के नाम से भी जाना जाता है और काफी बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर 13 वाला क्वेश्चन है, जो कि क्या है, रेडियो एक्टिव उत्सर्जन, यानी जिसे सुरंगन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है, ये भी काफी बार पूछा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 है कि अनंत गहराई, यानी जिसे अपरिमित गहराई के नाम से भी जाना जाता है, का विभव कूप यहां पर आपको बताना है। इसका जो डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं, जिसे लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके टॉपिक है, जो कि सरल आवर्ती दोलित्र, यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्रैंक हर्ट्ज का प्रयोग, यानी फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, यह भी काफी बार पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं, जो कि क्या है, बोहर का संगतता का सिद्धांत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, स्टर्न गर्लेक का प्रयोग, ठीक है। इनमें से यहां पर ये जो 3-4 क्वेश्चन आपको बताए, इनमें से एक दो क्वेश्चन आपके आने के फुल चांस आपके बने रहते हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, जो कि जेमानी, जिसे जीमान के नाम से भी जाना जाता है, इसका विपाटन, जीमान विपाटन, यह भी काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये जितने भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया, उसके अंदर भी कुछ भाग होते हैं, वो भी हमने आपको बताया, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ में जो न्यूमेरिकल है, आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो लास्ट के कुछ सालों के, जैसे लगभग मान लीजिए 4-5 साल की जो न्यूमेरिकल है, उनको सॉल्व अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और साथ में आप देख लीजिएगा कि आपके बार बार कौन से क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिलेगी जो हमने आपको बताए, इन्हें अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और आज की क्लास कैसी लगी स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए, इसे सब्सक्राइब जरूर आप कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।